हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय होम माय किचन। आज हम लोग अंजलि का पावर फ्री ब्लेंडर देखने वाले हैं, उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अंजलि का पावर ब्लेंडर है जिसे मैंने बिग बास्केट से परचेज किया था। इसे इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ बॉक्स पे इसके डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ता है हाथ का, परफेक्ट फिनिश है और बेटर क्वालिटी है। साइड बॉक्स पे दिया गया है इजी ग्रिप, एसएस वायर और ब्लैक और पीपी प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। अगर हम लोग दूसरे साइड में देखेंगे तो उसके कलर्स जो अवेलेबल है वो दिए गए हैं ब्लू, पिंक और ग्रीन। मैंने ग्रीन वाला परचेज किया है। और इसके यूजेस क्या है वो भी इस पे बॉक्स पे मेंशन किए हैं, जैसे कि बीटिंग क्रीम, एग, हमारा केक का हो हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, लिक्विडाइजिंग जैसे कि सूप दाल कुछ बनाना हो, क्रंचिंग जैसे कि मिल्क शेक, लस्सी, बटर मिल्क, ये सब इससे हो सकता है। अभी हम लोग फर्स्ट ये। और एक चीज रह गई, इसकी प्राइस जो है इस पे 170 दी है और मुझे आफ्टर डिस्काउंट ये 113 में मिला। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मैंने बॉक्स से निकाला है। ये बहुत ही लाइट वेट है और हैंडी है और बहुत ही इजीली ऑपरेट हो सकता है, कोई बच्चे भी इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसका प्लास्टिक का मटेरियल भी बहुत ही अच्छा दिया गया है और आगे का जो है वो स्टील का है। और ये प्रेस करने के लिए और ये रोटेट करके भी इजीली हो सकता है, सिर्फ थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ता है। अभी जब हम लोग रेसिपी में यूज करेंगे तब देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। इसके एडवांटेज तो मैंने पहले ही बताए थे, इसे नो इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और इससे हमारे हाथों का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। हम लोग स्ट्रेंथ, हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत से ऑप्शन देखते हैं, पर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हमारा काम भी हो जाता है और हाथ का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। अभी हम लोग इससे बटर मिल्क बना के देखते हैं कि बटर कैसे निकलता है। ये देखिए, ये मैं बटर मिल्क निकाल रही हूँ। ये ऑपरेट करते वक्त ठीक है, पर थोड़ी देर के बाद हाथ दर्द करने लगता है क्योंकि इतनी आदत नहीं रहती। एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छे से हो जाता है, पर स्टार्टिंग में ऑपरेट करते वक्त थोड़ा लगता है कि अपना हाथ दर्द कर रहा है। ये देखिए, अभी इसमें से बटर अच्छे से निकलने लगा है। जब भी बटर मिल्क करते हो तो स्टार्टिंग में पानी मत ऐड कीजिए, सबसे लास्ट में पानी ऐड कीजिए तो बटर जल्दी निकल जाता है। ये बहुत ही अच्छा टिप है, मैं हमेशा ये फॉलो करती हूँ। फ्रेंड्स, इससे अपनी स्ट्रेंथ भी अच्छे से बढ़ जाती है और अपना काम भी हो जाता है झट से। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तब बहुत बार ऐसे लगता है कि बटर मिल्क चाहिए, तो ये अच्छा ऑप्शन है, हम लोग तब यूज कर सकते हैं। ये सेम हम लोग सूप दाल तब भी यूज कर सकते हैं, अगर बेबी फूड बनाना है तब भी ये अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बटर आने लगा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बेस्ट नेस्कैफे कैसे बनाते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून गर्म पानी लिया है और 2 टेबलस्पून शुगर और मैंने 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी लिए। मैंने इंस्टेंट कॉफी नेस्कैफे के लिए, आप कोई भी इंस्टेंट कॉफी ले सकते हो। ये मैं ग्लास में कर रही हूँ। अभी हम लोग वो अंजलि का ब्लेंडर यूज करके इसे अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा है कि इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज करते हैं ये सब करने के लिए, ये अंजलि का ब्लेंडर से भी ये काम हो जाता है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी कॉफी बन जाती है। और एडवांटेज तो है ही, हमारे हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है और थिक भी हो गया है। एक हाथ से करती हूँ तो दर्द होता है तो दूसरा हाथ भी यूज कर लेती हूँ। अभी ये कॉफी थिक हो गई है, उसमें से मैं हर ग्लास में 2 टेबलस्पून कॉफी मिक्सिंग जो किया हुआ है वो कप में डाल रही हूँ। और मैंने दूध गर्म करके लिया है, उसमें बिल्कुल पानी शक्कर कुछ नहीं डाला है, डायरेक्टली मैं अभी ग्लास में दूध डाल रही हूँ, गर्म दूध। टेस्टी और बहुत ही इजी अपनी नेस कॉफी अभी रेडी है और आप ये कॉफी सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।